बतौर जज नेहा कक्कड़ को कई टैलेंट शो में आंखें नम करते हुए देखा जा चुका है। अब एक बार फिर नेहा कक्कड़ इंडियन आइडल 13 शो पर इमोशनल हो गई हैं और अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई हैं। लेकिन इस बार वजह किसी कंटेस्टेंट की इमोशनल कर देने वाली परफॉर्मेंस नहीं बल्कि इस शो पर पहुंचे एक्टर गोविंदा थे। बता दें कि इंडियन आइडल शो को नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी जज कर रहे हैं, लेकिन इस जज पैनल में सबसे ज्यादा कोई सुर्खियां बटोरता है तो वो है नेहा कक्कड़। इंडियन आइडल शो पर इस वीकेंड दिवाली स्पेशल एपिसोड टेलीकास्ट होने जा रहा है। इस मौके पर एक्टर गोविंदा अपने परिवार के साथ इस शो पर नजर आएंगे। शो पर अपने फेवरेट स्टार को देखकर नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। गोविंदा को देखकर नेहा की एक्साइटमेंट देखने को लायक है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस शो के प्रोमो वीडियो में नेहा को गोविंदा के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है। नेहा कहती हैं कि बचपन से ही वो गोविंदा की फैन है। गोविंदा के साथ इस शो पर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा और बेटी टीना आहूजा भी पहुंची हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता ने नेहा को कहा कि आप गोविंदा की फेवरेट सिंगर हैं और वो आपके फैन हैं। इस बात पर नेहा खुश हो गई और बोली कि पांच जिनकी मैं फैन हूँ वो मुझे अपना फैन बोले तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। आज मैं सुपरस्टार बन गई हूँ। इसके बाद गोविंदा नेहा के लिए कहते हैं कि आर्टिस्ट ऐसा जैसा होना चाहिए जो कि किसी के गम दुख को देकर रो पड़े। क्या कमाल के आर्टिस्ट हैं आप। इसके बाद सुनीता भी कहती हैं कि ये बहुत इमोशनल और बहुत ही प्यारी लड़की हैं। हम सब इसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद नेहा जैसे ही शुक्रिया कहकर गोविंदा के बारे में बोलने लगी, वो बोलते बोलते इमोशनल हो गई, उनके आंसू छलक गए और गोविंदा उनके चेहरे से आंसू पोंछने लग गए। मनोरंजन जगत की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।